బొమ్మరా ఒక్కటే. व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब? तो भाई बहुत ज़्यादा काइट फाइटिंग हो रही है और मैं आपको दिखाऊं कि कितनी काइट फाइटिंग हो रही है. मौसम आ चुका है और काइट फाइटिंग का, तो भाई चलिए काइट फाइटिंग स्टार्ट करते हैं और आपको मैं टिप्स भी दूंगा और हो सके तो मैं आपको आज पतंग लपेट के भी दिखाऊंगा. ठीक है, तो चलिए गाइस वीडियो में जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ पहले यहाँ पे काइट फाइटिंग हो रही है, कैसी हो रही है. ठीक है, तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी सारी पतंगें हैं आसमान में. तो भाई अल्टीमेट काइट फाइटिंग है और एक नीचे की तरफ है और हमारे पीछे देखिए गाइस यहाँ पे ही पतंग, यहाँ पे ही पतंग और पतंग ही पतंग भाई, पतंग ही पतंग. ये देखिए भाई पतंग ही पतंग भाई, ये देखिए. तो गाइस चलते हैं भाई जल्दी से वीडियो बनाते हैं और पतंग काट के दिखाते हैं आपको. ठीक है, तो चलो वीडियो में चलो. तो गाइस चलते हैं जल्दी से पतंग उड़ाते हैं. ठीक है, तो भाई यहाँ पे हवा बहुत बड़े चल रही है, पतंग देखी गाइस मेरी कितनी बड़े चल रही है. अपनी पतंग अभी लंबी करते हैं. ठीक है, तो भाई पतंग देख सकते हो अभी आप मेरी कितनी जल्दी बधी है ऊपर, तो अभी इसे और लंबी करते हैं और बढ़िया से पैर दिखाता हूँ मैं आपको. ठीक है, 2000 years later. तो गाइस आप देख सकते हो अभी यार मेरी ये ब्लैक वाली पतंग है और मैं इसके ऊपर से जाऊँगा और ऊपर से जाके इसके साथ में मैं क्रॉस पैंच लगाऊंगा. ठीक है ना, देखो क्या होता है कि जब भी आप कभी ऊपर से पैंट डाल रहे हो तो वो हमेशा निकालने के नीचे से कोशिश करता है, लेकिन आप उसको मौका ही मत दो क्योंकि वो नहीं निकाल पाएगा. ये देख सकते हो गाइस मैं ऊपर से जाके क्रॉस पैंच कर दी और मैंने अपनी पतंग ऊपर उठा ली है, ये आप देख सकते हो वीडियो में. तो भाई अभी आपको क्या लगता है कि क्या मैं इसकी पतंग काट पाऊंगा यहाँ पे, आप मुझे कमेंट में बताना, लेकिन मैं श्योर हूँ कि हाँ मैं इसकी पतंग यहाँ पे काट दूंगा आराम से. तो भाई मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस है इस चीज़ का क्योंकि मैं ऊपर से पैंच से जब भी किसी की मैं डालता हूँ और मंजा मेरा अच्छा रहता है हमेशा के लिए. तो भाई खतरनाक पैंच हो रहे हैं, मैं अपनी पतंग रेगुलर घुमा रहा हूँ क्योंकि जितने मैं अपनी पतंग रेगुलर घुमाऊँगा यहाँ पर तो उतने ही तेज़ घस्से मैं इसकी में लगा दूँगा. ठीक है ना, अभी देख सकते हो गाइस आप ये बार बार निकालने की कोशिश कर जरूर रहा है लेकिन मैं इसको निकलने नहीं दे रहा क्योंकि मैंने क्रॉस पैंच क्रॉस फिट पैंच लगाए हुए हैं यहाँ पर. और गाइस देख सकते हो मैंने इसको नीचे की तरफ लटका दिया है. तो भाई आप वीडियो में देख सकते हो पतंग उसकी प्रॉपर नीचे लटक चुकी है और मैं उसको उठने का मौका नहीं दे रहा हूँ और हवा भी थोड़ी बहुत चल रही है, ज़्यादा तेज़ हवा नहीं चल रही. मैं अपनी पतंग हल्की हल्की ठुमकियों से ऊपर की तरफ उठा रहा हूँ ताकि मेरी पतंग अगर नीचे लटक गई तो मुझे वापस से उठानी है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल, तो आप समझ सकते हो. तो भाई अभी आप देख सकते हो वो भी अपनी पतंग आराम आराम से ऊपर की तरफ उठा रहा है लेकिन मुझे लगता है कि हवा तो नहीं है लेकिन मुझे अब अपनी पतंग यहाँ पे घुमानी पड़ेगी, बिना घुमाए यहाँ पे काम नहीं चलने वाला. अब हवा ना हो भाई, अगर ज़्यादातर मैं ठुमकी मारूंगा तो मेरी भी कट जाएगी क्योंकि ज़्यादा ठुमकी मारने से अगर हवा नहीं है तो ज़्यादा मेरी पतंग कट सकती है. ठीक है ना, तो भाई अभी मैं इसको घुमाता हूँ. ठीक है, अब हवा चलो चाहे ना चलो लेकिन पतंग तो घुमानी ज़रूर चाहिए. ठीक है, तो भाई देखो मेरी पतंग घूमनी स्टार्ट हो गई है यहाँ पर, तो देख सकते हो गाइस आप मैंने वो पतंग काट दिया यहाँ पे ढील से. ओ मारा, तो भाई देखा आपने मैंने पतंग कैसे काटी उसकी. ठीक है, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा, मैंने सिर्फ और सिर्फ भाई ऊपर से डाल के ढील चलाई है, वो काफ़ी पैंच दूर चले गए थे तो इसलिए आपको वीडियो थोड़ी सी लास्ट में ना समझ में आई उसके लिए सॉरी. तो बस ऊपर से पैंट डाले और मोनोकाइट वाला मांजा जो मैंने आपको पहले बताया था, दिखाना है पर मोनोकाइट मांजा, तो ये वाला मांजा है मोनोकाइट का. तो भाई ज़्यादा कुछ नहीं, ऊपर से पैंट डाल के एकदम मैंने अपने पहले वाली तरीके जो ट्रिक आप यूज़ करी थी मैंने लच्छा मारा घिसरा के. ठीक है ना, तो आपको भी ऐसी ट्रिक यूज़ करनी है. तो भाई चलो अभी मैं दूसरे अपोनेंट के साथ पैंच करता हूँ. ठीक है, A few moments later. तो भाई ये मेरी ब्लैक वाली पतंग है और मैं ये दूसरा अपोनेंट आ गया है यहाँ पे पैंच उड़ाने के लिए. और भाई देखो मेरी पतंग ऊपर से मैंने इसके ऊपर पैंच डाल दिए और मैं अपनी रेगुलर पतंग घुमा रहा हूँ रेगुलर. ठीक है ना, इसको सांस नहीं लेने देना मुझे, अगर मैंने अपनी पतंग यहाँ पे घुमानी बंद कर दी ना तो भाई ये मुझे डेफिनेटली पी जाएगा मतलब इन द सेंस है काट देगा मेरी पतंग. ठीक है ना, तो आप देख सकते हो ये ऊपर वाली पतंग इसकी है और नीचे वाली पतंग मेरी है जो रेगुलर कंटिन्यू घूम रही है. तो भाई ढील के पैंच यहाँ पे हो चुके हैं, मुझे नहीं पता कितने लंबे जाएंगे कितने लंबे नहीं जाएंगे, लेकिन इसको भी मैं आज कह के काटूंगा यहाँ पे. तो आपको देखना है कि मैं इसको कैसे काटूंगा कैसे नहीं काटूंगा. ठीक है ना, तो भाई अगर आपके भी इसी तरीके से पैंच लग रहे हैं तो आपको कंटिन्यू इसी तरीके से घुमानी है और मुझे लग रहा है कि इसका अंतिम संस्कार हो गया है, होने वाला है. तो भाई अपनी हवा में शेरनी उठती हुई देखा कैसे तीर के समान अपनी पतंग उठ रही है आसमान में.
thousand years later. तो भाई देखा आपने, मैंने तंगे से काटी उसकी दूसरे वाले अपोनेंट की, तो ज्यादा होशियार बन रहा था भाई, ज्यादा होशियार बनता है ना उसका, मैं यही हाल करता हूँ, ठीक है ना। तो क्या करा, ऊपर से पैंस डाले जो कि मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट है। तो आपको भी अगर ऊपर के पैंस सीखने हैं तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा इस चीज पे, ठीक है ना। तो फिलहाल तो मैंने ऊपर से पैंस डाल के क्या हो रहा था मैं बताता हूँ आपको, क्या हो रहा था मैं बताता हूँ। ऊपर से जैसे मैंने पैंस डाले उसके में, ठीक है, तो मेरी पतंग ना बहुत ज़्यादा नीचे जाके लटक रही थी, तो मैंने उसे टाइट करने के लिए ये उंगली देखो, ये वाली उंगली ऐसे 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 ये ट्रिक यूज़ करी मैंने, ऐसे ऐसे ये ढील तो आपको देनी है बराबर, लेकिन ये उंगली बराबर बराबर केड़े केड़े हाथों से यूज़ करनी है, ट्रिक ये होती है, ठीक है। तो आपकी पतंग उसमें ज़्यादा तेज घस्सा मारेगी और उसकी पतंग 100% काट देगी, जैसे कि मैंने यूज़ करी, ठीक है ना। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि अभी कोई मेरे पास में आपको ओपोनेंट नहीं है, तो जैसे ही ओपोनेंट होगा तो मैं आपको भी काइट फाइटिंग करके दिखाऊंगा। अभी देखो मेरी पतंग ऊपर है ये भी, और इस पतंग ने ना देखा, और इस पतंग ने भाई अभी तक कम से कम 3-4 पतंग काट दिए, कल भी इसने 3-4 पतंग काटी थी और अभी इसने 2 पतंग काट दी है, ठीक है। तो गाइस अभी एक पन्नी की पतंग उड़ रही है, देखा ना, तो गाइस अभी एक पन्नी की पतंग उड़ रही है यहाँ पे, तो अभी इसके साथ देखते हैं पैंच करके, ठीक है। A few moments later. तो भाई अभी आप देख सकते हो कितनी तेज हवा चल रही है यहाँ पे, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी तेज हवा चल रही है, आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है, देखो ये पतंग देखो कैसे घूम रही है पागलों की तरह, ये देखो। तो भाई मैंने तो अपनी उतार लिया, नीचे रख लिया, क्योंकि अभी देखो इसके साथ पैंच लड़ाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पतंग फट जाएगी, तो इसलिए अभी ये आंधी चल रही है। तो भाई अभी शाम भी होने वाली है, देखो कैसे पतंग हो रही है पागल सी ये, तो भाई देखना कि कितनी तेज आंधी चल रही है और तूफान, देखो पीछे से भी बहुत ज़्यादा पतंगें उड़ी थी, हम भी कोई पतंगें नहीं है। तो भाई अभी मैंने पतंग उठा के अपनी रख ली है ऐसे ही, तो अभी जैसे ही आंधी ख़त्म होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ पैंच लड़ा के, ठीक है। तो भाई हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है और आंधी मतलब तूफान दुनिया भर का तेज़ चल रहा है, पता नहीं एकदम से कहाँ से आया वैसे मौसम, कहाँ से आया, लेकिन मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। पीछे की साइड देख सकते हो कितना रंग, कितना मतलब कि मौसम ज़्यादा ख़राब हो रहा है, और इस साइड भी आप देख सकते हो मतलब कि अभी मुझे लग रहा है बारिश वारिश आने वाली है। तो भाई मैंने तो अपनी पतंग उतार के रख ली है क्योंकि कल वीडियो बनाने में काम आएगी। तो भाई जैसे ही आपने देखा कि एक पतंग को हमने 2 दिन चला दिया, और पहली दिन उसने काफ़ी पतंगें काटी, दूसरे दिन भी अभी मैंने आपको दिखाया काट के। तो भाई मैंने आपको जो ट्रिक बताई है तो भाई आप उसको यूज़ कर लेना, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी ढील के पैंचों में, ठीक है। अभी मैं आपको फिर से बता देता हूँ, देखो अगर आप ऊपर के पैंच के शौकीन हो तो आपको क्या करना है, ऊपर के पैंच में अगर आपको डालना है दूसरे वाले अपोनेंट के ऊपर से, तो आपको ना कुछ नहीं ज़्यादा करना, अपनी जो उंगली है ये मतलब मांझे को ऐसे इससे कैड़े कैड़े घुमाना, इससे कैड़े कैसे ऐसे लच्छे घुमाने हैं, और आपकी पतंग रेगुलर घूमनी चाहिए, तब तक घुमाओ जब तक वो थोड़ी नीचे ना चली जाए। डेफिनेटली जब उसके ऊपर इतना गहरा लच्छा लगेगा ना, गहरा घस्सा लगेगा, तो भाई उसकी कोई भी पतंग नहीं बचानेगा, ठीक है। तो ये थी वो ट्रिक जो मैंने आज की पतंग में यूज़ करी है। तो आई होप गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। मैं मिलता हूँ आपको किसी नई ब्लॉग पे, तब तक ले गाइस जय भारत।